अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं खूबसूरत सा छोटी बच्ची के पांजे का डिज़ाइन तैयार करूंगी। तो उसके लिए मैंने ये पांचा हमारा है, तकरीबन यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है। तो इसको जो है ना, मैं यहाँ से नीचे से 2.5 इंच छोड़ के 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इधर से भी, तो इधर थोड़ा सा कट भी लगा लेंगे ताकि हमारे जो पिंटक्स हैं वो बराबर हैं। इस तरह खोलेंगे और यहाँ एक पिंटक्स बना लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा निशान बन जाएंगे और हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। अब बारीक किनारे पर हमें इसकी सिलाई लगानी है, पूरी इस तरह बारीक बारीक सिलाई लगा लेंगे और हमारा पिंटक्स जो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसी तरतीब से 1/2 इंच के फासले से मैं 6 पिंटक्स और तैयार कर लूँगी। इस तरह पकड़ेंगे हम इसे फिर से 1/2 इंच के फासले पर और एक और सिलाई इसको लगा लेंगे इसी तरह। तो ये 6 पिंटक्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी हम ये चिप्स बुकरम लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और इस तरह से इसकी लंबाई जो है ना 5 जितनी है, यानी 6 इंच है, ठीक है ना। तो अभी से हम इस तरह डबल डबल करके रखा हुआ है, तो इधर से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम एक पत्ते की शेप ड्रा करेंगे। और नीचे से यहाँ से 1 इंच का इस तरह निशान लगा के 1 इंच जितना हम इसे यहाँ से एक लाइन बना लेंगे। तो इसे हम दूसरी कटिंग करनी है तो उस हवाले से भी हम इसे यहाँ से एक और लाइन लगा लेंगे इस तरह। आगे जो है ना, जैसे हमारा ये फूल बना हुआ है इसी तरह का ही हम इसे कटिंग करेंगे ताकि और यहाँ से ये जो हमारा फासला है इस निशान को इससे मिला देंगे, थोड़ा सा और गोल कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमने इसे ड्रा किया, पत्ते वाला हिस्सा इसी तरह गोल निकाल लेंगे और बाहर वाले हिस्से को भी पूरे को कट कर लेंगे। ये हमारी पांचे की जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह कटिंग के बाद जो है ना रेडी हो जाएगी। तो इस तरह हमारी इसकी कटिंग जो हो गई है। अब इसके सेंटर को थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये जो इस डबल किया है यहाँ से बिल्कुल बारीक सा थोड़ा सा हिस्सा कट कर देना है। तो अब इसे कपड़े के ऊपर इसी तरह पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट हमने कर लिया है, अब इजाफी कपड़े को कट कर देंगे सिलाई का मार्जिन छोड़। इजाफी कपड़ा कट करने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मैं रेडी कर रही हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और जो ट्राई करें वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं उन्हें ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस पट्टी को हम यहाँ से ये इस वाले कपड़े को रफ स्टिच कर लेंगे पूरे को इस तरह से फोल्ड करते हुए। ये बाहर वाले हिस्से पर मैंने सारी रफ स्टिच कर ली है। अब ये पिंटक्स वाला हिस्सा हम ऐसे रखेंगे, सीधी साइड रखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है, इस तरह से प्रेस भी कर लिया, निशान भी लगा लिया है। तो अब इसको हम इस तरह रखेंगे इसके भी सेंटर में बिल्कुल ऐसे, और इसे बिल्कुल इसके चिप्स बुकरम के साथ साथ इस तरह स्टिच कर लेंगे पूरे को। तो जिस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है उसी हिसाब से चिप्स बुकरम के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक सिलाई लगाती जाऊंगी। यहाँ किनारे पे मैंने सुई अंदर करके खड़ी की है, पैर ऊपर कर दिया है मशीन का और दोबारा अब यहाँ से गोल घुमाती भी जाऊँगी। जिस तरह हमारा ये पत्ता बना हुआ है उसी हिसाब से इसे मैं गोल घुमाती जाऊँगी। पिंटक्स को भी मैंने प्रेस किया हुआ है इसलिए बिल्कुल नीट तरीके से ही ये बनेगा। तो पूरे को सिलाई करते हुए दूसरी तरफ मैं ले आऊँगी। बार बार सेट रखना है ताकि सेंटर बिल्कुल ठीक रहे, सेंटर की जगह से हिल ना जाए। इसी तरह लाते हुए मैं इसको पूरे को मुकम्मल कर लूँगी। तो आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके इस डिज़ाइन की। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये। अब जो इजाफी कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे, पहले सेंटर से इस तरह कट मारेंगे। तो जिस तरह से हमारा ये पत्ता बना हुआ है उसी हिसाब से इसका अंदर वाला कपड़ा मैं कट कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा छोड़ती जा रही हूँ ताकि जो है यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी। मैंने लगा लिया है, अंदर की तरफ पलट लेंगे और इसे सीस कर लेंगे।
तो ये हमने प्रेस करके रख लिया। तो हम नाप कर लेते हैं इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 2 इंच है। तो 2 इंच की हमने ये पट्टियाँ मैंने बना ली हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, और जो है ना ये क्योंकि इधर से इधर तक 2 इंच इसकी चौड़ाई है, हम 2.5 इंच की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे बहुत सी, इस कलर की भी और इस कलर की भी, इस तरह से 2.5 इंच नाप करेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह हम बहुत सारी कट कर लेंगे। तो ये बहुत सारी स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली हैं, डबल फोल्ड हुई भी जैसे हैं। तो अब एक स्ट्रिप हम ये वाली रखेंगे, तो ये वाली रखेंगे इस तरह, तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा कम नज़र। एक स्ट्रिप के ऊपर दूसरी स्ट्रिप रखेंगे और इसी तरह हम इन्हें स्टिच भी करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइनिंग वाली पट्टी जो है ना वो तैयार हो जाएंगी। तो एक सादी पट्टी और एक शलवार के कलर वाली पट्टी एक दूसरे के ऊपर रखी और इस तरह सादी स्टिच कर ली है। एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखती जाऊंगी मैं पट्टियाँ और साथ साथ इन सारी पट्टियों को बनाती जाऊँगी। इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ जो है ना तैयार हो जाएंगी। ये पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब इसके ऊपर ये वाला जो हमारा कट है इसको रखेंगे यहाँ पे और इस तरह से ये देखिए, इस तरह ताकि गुलाई में हमारा ये जो है ना तैयार हो जाए इस तरह, ठीक है। तो पहले तो स्ट्रिप्स भी मैंने इतनी ही तैयार की हैं जितने कि इस पत्ते जितनी पूरी आ जाए। तो अब इसको जो है ना साइड से मैं सिलाई करूँगी, सिलाई करते हुए ऊपर तक ले आऊँगी और यहाँ पर इस तरह से हमारा पांचा भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ से आगे किनारे की सिलाई लगानी है, यहाँ पर कोने तक सिलाई लगा के अभी इसे फिक्स करूँगी, जहाँ पे पत्ता सही सेट होगा उस जगह पे रख के बाकी इसको सिलाई लगानी है। बाकी किनारे की सिलाई लगाते जाएंगे और बिल्कुल ध्यान ध्यान से रखना है कि ये अच्छे से फिक्स हो जाएँ पट्टियाँ। तो इसकी मतलब हर तरह से तरतीब का ख्याल रखते हुए और किनारे किनारे की सिलाई मैं इसको लगाती जा रही हूँ। इस तरह हमारा ये पत्ता शेप जो है ना वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह सिलाई लगाती होंगी। ये हमने यहाँ पे जो फासला थोड़ा सा ये दरमियान में हमारा थोड़ा सा गैप रहेगा, इसी तरह आगे यहाँ पर फिर से हमारे पांचे को इस तरफ से पूरा स्टिच कर लेंगे। इस तरह पांचे को भी अलग से तुरपाई नहीं करना पड़ेगा और ये पांचा जो है ना तैयार रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है ना रेडी हो गया है, बस अब सिर्फ बंद करना बाकी है इसको। ये जो इजाफी इसका कपड़ा है ये मैं कट कर दूंगी पूरा। तो बाकी जो हिस्सा है यहाँ पे मैं थोड़ी तुरपाई कर लूँगी ताकि फिनिशिंग रहे और किसी भी टाइम ये ख़राब ना हो। ये हमारा सेट हो गया है पूरा। तो ये मैंने बनाया बच्ची का ट्राउज़र ही है, लेकिन इस तरह आप बाजू का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इस तरह बाजू पे ये देखें और यहाँ पे आगे इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं। तो इस पजामे को मैंने मोती भी लगा लिए हैं, दूसरा पांचा भी मैंने इसका रेडी कर लिया है। ये खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी है, इस तरह आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, न्यू डिज़ाइन है। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।